क्या आप भी घी बनाने के बाद इस मही को फेंक देते हैं? हेलो फ्रेंड, राधा रानी होम किचन में आपका स्वागत है। घी बनाने के बाद यदि आप भी मही को फेंक देते हैं तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। जिसके लिए हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे और प्याज और हरी मिर्च डालकर उसको अच्छे से पकाएंगे। फिर उसमें ये जो मही थी उसको डाल देंगे, और ये मही ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, एक हफ्ते की होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा दूध और नमक डाल देंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसके साथ हम बना रहे हैं सब्जी आलू गोभी की, जिसके लिए आलू को कट कर लिए, गोभी को कट करके उसको गर्म पानी में डाल दिए हैं ताकि अगर कुछ हो तो वो बाहर आ जाए। अब एक मिक्सिंग जार लेंगे जिसमें हरी धनिया, अदरक लहसुन और मिर्ची, काली मिर्च, लौंग, जीरा, सौंफ डालेंगे और पानी डाल के एक इसका अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब फ्राई पैन में तेल, जीरा, मेथी और ये जो पेस्ट बनाए थे उसको डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है इस तरह से अगर आप बनाएंगे। इसमें हल्दी डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे और टमाटर डाल के अच्छे से पकाएंगे। फिर आलू और गोभी को फ्राई करके रखे थे उसको डालेंगे। इसमें पानी डालकर इसको नमक डालकर ढक के रख देंगे पकने के लिए। ये सब्ज़ी बिल्कुल बहुत टेस्टी लगती है। अब इसके लिए आटा लेंगे, उसमें अजवाइन और नमक डालेंगे और ऑयल डालेंगे और अच्छा सा इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। तो फ्रेंड, आज हम मही से बनाएंगे इसका पराठा जो बहुत टेस्टी होता है। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर किसी को भी ना अच्छा लगे ना तो वो कमेंट में आके ज़रूर बताना। अब एक लोई तोड़ेंगे, उसमें इस मही को जो है जो बना के रखे थे उसको फिल करेंगे और इसको बेल कर इसका पराठा बना लेंगे। और हाँ फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको पराठा कैसा लगा और आप बना रहे हैं कि नहीं। अब ये पराठा बेल लेंगे और हम इसे घी लगा के बना रहे हैं। आप तेल से कैसे भी बनाएं, देखिए कैसे बना हुआ है, ये फटता भी नहीं है, अच्छे से बन जाता है। सब्जी बन गई है, उसमें हम गरम मसाला और हरी धनिया डाल देंगे। ये सब्जी थोड़ी हरी कलर करके आती है क्योंकि इसमें हमने धनिया अच्छे से पीस कर ढेर सारा डाला था, लेकिन ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। ये हम सब्जी के साथ सर्व कर रहे हैं, आप इसको चाय के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। हम इसको दोनों तरफ घी लगा के पका लेंगे। एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा बहुत टेस्टी लगेगा। बस ये है कि मलाई ज़्यादा दिन की नहीं होनी चाहिए, मुश्किल से एक हफ्ते की हो, वो भी फ्रिज में हो तो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी पराठा बनता है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसे बनाया होगा। हम मिठाई, कलाकंद सब बनाते हैं इससे, लेकिन पराठा नहीं बनाया होगा। लेकिन सच मानिए फ्रेंड, ये बहुत टेस्टी होता है और इसको बच्चे भी खाते हैं। दूसरा पराठा भी हम बनाकर सेक ले रहे हैं। ये पराठा हम सब्जी और सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाय, सॉस, किसी भी साथ, बच्चे को इसको टिफ़न में दें, वो भी बहुत पसंद करेंगे। हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए कैसा बना हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड, बाय फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।